हे एवरीवन, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। आज थी हमारी वीकली एक्सपायरी, सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कल हमने आपको जो स्टॉक प्रोवाइड किए थे वो कैसा परफॉर्म करे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक निकल के आए हैं। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस याद से कर लीजिएगा। चलते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहला स्टॉक हमने आपको दिया था सिप्ला, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। इसमें मैंने आपको एंट्री बताई थी 1013 के लेवल के ऊपर। अब आप देख सकते हैं आज ये गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, बहुत ही छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया और एक मूव डाउन साइड दिया, बट हमने आपको ऐसा नहीं बताया था तो इसमें आज हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। हमारे अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी थी 1013 के लेवल के ऊपर। अब जब भी मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। ये लर्निंग पर्पज से मैं आपको बताता हूँ कि इस पैटर्न पे या इस मोमेंटम में अगर कोई स्टॉक है वो इस लेवल पे आता है तो वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये कोई भी टिप्स नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमने आपको बताया था 1363 के लेवल के नीचे अगर ये निकलेगा तो हम इसे शॉर्ट करना है, और आप देख सकते हैं आज महिंद्रा एंड महिंद्रा गैप अप खुल गया। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि हमारे स्टॉक बिल्कुल उल्टे हो गए हैं, मतलब ये हमारे एक तरीके से इसको सेल के लिए रखा था हमने तो ये गैप अप खुल गया, और सिप्ला हमने रखा था एक तरीके से बाई के लिए तो ये गैप डाउन खुल गया। आप देख सकते हैं तो M&M हमारा गैप अप खुल गया, और गैप अप खुलने के बाद पूरा दिन साइडवेज होके बंद हो गया। तो 1363 का लेवल नीचे इसका सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर ये आया ही नहीं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। थर्ड स्टॉक हमने आपको दिया था HCLTech हमने आपको दिया था 117.75.70 के लेवल पे। अब आप देख सकते हैं कि 117.75.70 इसका लेवल जो है वो है यहाँ पे, और ये आज खुला गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर ये 1162 जो इसका ये स्विंग लो है इसके नीचे निकल जाता है तो उस केस पे आपको इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी थी। आपको ट्रेड लेनी थी जब यहाँ पे ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करता, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, तो यहाँ पर ये गई नहीं तो इसमें भी हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। लास्ट स्टॉक हमने आपको दिया था अदानी पोर्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन। आपको इसमें मैंने बताया था सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था 748.75 पे। 748.75 ये इसका सपोर्ट एरिया है। इसका सपोर्ट एरिया पे हमें कोई बुलिश पैटर्न पे यहाँ पे बाई करना था और एक अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान करना था। 765 और 775 ये दो टारगेट हमने ऊपर के लिए आपको दिए थे 5 पॉइंट का एसएल लगा के। अब ये अपने सपोर्ट एरिया पे तो आया, लेकिन आप देख सकते हैं सपोर्ट एरिया पे आने के बाद इसने कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया, और यहाँ पे इसने इस कैंडल में ऑलमोस्ट 12:55 पे अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया और उसके बाद नीचे चला गया, तो इसमें भी हमारी कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। आप देख सकते हैं चार स्टॉक हमने आपको दिए थे और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि चारों स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग वो नहीं चले। तो आज आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे, ऐसा होता है नॉर्मली, क्योंकि आपको पता होगा कि निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। अगर आप चार्ट की बैक टेस्टिंग करेंगे तो जब भी अब मेजर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। तो आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा, आपने ज़्यादा लॉस नहीं किया होगा। मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से किसी स्टॉक में ट्रैप तो नहीं हुए हैं, या आपने ट्रेड लिया है तो आपका दिन कैसा गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक निकल के आए हैं। सबसे पहला स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोनल्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, और इसका एक सपोर्ट एरिया है 890 से लेकर 892 का, ये 2 पॉइंट का इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो कल अगर यूनाइटेड स्पिरिट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तो इसमें हम एक सेल की ट्रेड इनिशिएट करेंगे 890 के लेवल के नीचे। SL हम इसमें रखेंगे 894 का, टारगेट 1 हमें इसमें मिलेगा 880 का, और टारगेट 2 हमें इसमें मिलेगा 876 का। ये दो टारगेट मैं नीचे देख रहा हूँ, इनकेस कल ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो एक एरिया आपके ऊपर यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है चार्ट्स के ऊपर कि आप देख सकते हैं 905 का ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसके ऊपर जाता है तो उस केस में हम इसे छोड़ देंगे, फिर इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे।
दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 110 वीडियोस पोस्ट कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे अभी सब्सक्राइबर्स इतने नहीं बढ़ रहे हैं। 1K सब्सक्राइबर्स भी हमारे यहाँ पे पूरे नहीं हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ वीडियो में मॉडिफाई किया जाए या फिर कुछ अलग तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाए, तो मेक श्योर कमेंट करके बताइए, जिससे थोड़ा चैनल ग्रो हो पाए और मुझे और मोटिवेशन मिले। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियो, जिस वजह से शायद यूट्यूब का एल्गोरिथम उतना प्रमोट नहीं कर पा रहा है हमारी वीडियो, जिससे हमारा चैनल स्टक होके रह गया है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़े और हमारा चैनल ग्रो हो पाए। आपके लिए प्रॉमिस है कि लर्निंग कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कौन सा आया है। सो नेक्स्ट सेकंड स्टॉक आया है हमारे पास भारतीय एयरटेल, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं इसका 844 एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको काफ़ी टाइम से ये फॉलो कर रहा है। तो कल भारतीय एयरटेल अगर फ्लैट खुलता है और अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, 5 मिनट की अच्छी बुलिश कैंडल सेटल होती है 844 के लेवल के ऊपर, तो हम इसे बाई करेंगे 844 के ऊपर। SL हम इसमें रखेंगे 840 का, टारगेट 1 हमें इसमें मिलेगा 848 और टारगेट 2 हमें इसमें मिलेगा 854 का। ये दो टारगेट हम ऊपर की साइड देख रहे हैं। इन केस कल भारतीय एयरटेल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो एक लेवल आपके सामने मार्क है 836 का। ये स्विंग लो के अगर नीचे निकलता है ये, तो उस केस में हमें इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है, फिर इसमें बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं बचेंगे और हो सकता है फिर ये नीचे की साइड आ जाए। तो इससे अच्छा है कि अगर फ्लैट खुल के अपसाइड कंटिन्यू करता है तभी हम इन लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। सो आज का लास्ट स्टॉक है DLF, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। कई बार इसको मैंने अपनी एनालिसिस में आपको दिया है, और बहुत ही जब भी ये मूवमेंट करता है बहुत ही अच्छा हमें 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड दे के जाता है। आप देख सकते हैं इस चैनल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हमने रखा है सेल साइड के लिए। सेल इसे हमें कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 479 से लेकर 481 ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। तो कल अगर फ्लैट खुल के अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, 5 मिनट की एक अच्छी स्ट्रांग बेरिश कैंडल सेटल होती है, तो 479 के नीचे हम इसे सेल कर सकते हैं। SL हम इसमें रखेंगे 481 का, टारगेट 1 हमें इसमें मिलेगा 472 और टारगेट 2 हमें इसमें मिलेगा 474 का। ये दो टारगेट नीचे हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। इनकेस कल ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो 492.50 इस लेवल तक आप वेट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर आप इसे सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए मत रखिएगा, क्योंकि फिर इतना नीचे ट्रैवल करके आना और फिर हमें टारगेट देना ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ये ओपन हो जाता है तो 1-2 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है उतना चलता है, लेकिन अगर आप देखें कि ये गैप डाउन ही 472 के आसपास यहाँ पे या 473 पे होता है, फिर हमारे पास टारगेट इतना नहीं बचेगा और SL हमारा बड़ा हो जाएगा, तो उस बेसिस पे फिर हम इसे छोड़ देंगे, फिर इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो लाइव मार्केट में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है तो वो मैं इसमें पोस्ट करता रहता हूँ, या इस चैनल की कोई भी अपडेट है तो वो भी मैं तुरंत लाइव मार्केट में आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके अलावा रिलायंस में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करा था। तो ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, अगर आप चाहे तो आपको QR कोड स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं रेगुलर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।